मीनाक्षी, चुनाव का आगाज हो जाए, आरोप प्रत्यारोप का दौर ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चुनावी कैलेंडर पर एक के बाद एक सवाल उठाए जा रहे हैं। मुस्लिम धर्म गुरुओं का ये कहना है कि मतदान रमजान के दौरान क्यों किए जा रहे हैं। तो वही ममता बनर्जी की पार्टी ने भी रमजान में मतदान पर सवाल उठा दिया है। लेकिन इसी बीच आप देखिए, मोदी सरकार पर मायावती ने बड़ा हमला किया है और उन्होंने कहा कि कश्मीर में विधानसभा चुनाव क्यों नहीं हो रहे, ये मायावती ने कहा है। और मोदी सरकार पर अटैक, इसी के साथ विधानसभा चुनाव पर केंद्र का तर्क बेतुका है, ट्वीट किया उन्होंने, जिसपे उन्होंने ये बात कही, आरोप लगाया। चलिए आपको दिखा देते हैं कि ट्वीट करके मायावती ने क्या कुछ कहा है। हाल ही में उनका एक ट्विटर अकाउंट खुला है, उसमें सुश्री मायावती ने कहा है कि श्री मोदी सरकार की कश्मीर नीति क्या है जो सुरक्षा लोकसभा चुनाव करा सकते हैं, केंद्र का तर्क बेतुका है और बीजेपी का बहाना बचकाना। कश्मीर में दरअसल 5 चरणों में लोकसभा चुनाव होने हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।